हिल्स है जहाँ पे आपको काफ़ी रॉक्स है और जिसमें एनिमल्स को कवर मिल जाता है। तो ये हिल्स पे एवरी सिंगल हिल हैव अ लेपर्ड फैमिली। वन ऑफ द रीज़न वॉज कृष्णा ने शायद उसका एक लेटर में एक छोटा सा कब उसका लेक में शायद क्रोकोडाइल लेके निकल गए। चार बच्चे एंटर किए और तीन ही बच्चों ने क्रॉस किया। शायद वो एक रीज़न था, वो कभी बहुत पानी के पास गई नहीं। आई मीन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट्स नेचर एंड इट विल गिव यू व्हेन इट वांट्स यू टू राइट रिलेट। इट्स नॉट दैट आपको चाहिए और आपको मिल गया। द मोमेंट आई टुक दैट फ्रेम आई ड्रॉप माई कैमरा इन द कार दैट आई एम डन फॉर द डे और रादर फॉर द ट्रिप और फॉर द ईयर। दिस वॉज वन ऑफ माई ड्रीम फ्रेम्स विच आई वॉन्टेड टू हैव। जो फॉरेस्ट में जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इवॉल्व हो रहा है, मैं कोई भी रोजी पिक्चर नहीं बताना चाहूँगा। नहीं, हमें ऑडियंस को सच बताना है। आई फाइनली पिक्ड अप माई 400 mm लेंस। इट्स अ ह्यूज लेंस। करेक्ट। द मोमेंट टाइगर सॉ दैट आई एम पिकिंग अप समथिंग विच इज कंपेरेटिवली ह्यूज इन नेचर, ही रोड। आफ्टर एक्सपीरियंस इन टाइगर सो मेनी टाइम्स, दैट रोअर वॉज समथिंग विच मेड माई कैमरा फॉल फ्रॉम माई हैंड। नमस्कार। आज का आपका पॉडकास्ट हिंदी में होना है, तो इसके आगे हम हिंदी में बात करेंगे। तो हम आज ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें शायद थोड़ी जान की भी जोखिम हो सकती है जिसमें सिर्फ आपके स्किल्स नहीं, मतलब आपका आर्ट, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, वो सब नहीं, लेकिन हर एक फोटोग्राफ के पीछे एक स्टोरी भी होती है। ऐसे एक प्रोफेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप गेस कीजिए कौन सा होगा। हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अमित व्यास जी। अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। माय प्लेजर। मुझे बताइए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मतलब कि आपके भी घर में 3 इडियट जैसा ये लैपटॉप बेचकर कुछ और पैसे डालकर कुछ कैमरा क्यों नहीं खरीद लेते वो वाला सीन हुआ था, या कैसे आप इस फोटोग्राफी की तरफ कैसे मुड़े? नहीं, मुझे इंजीनियरिंग छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा, आप इंजीनियर भी हैं, हाँ, मतलब पूरा मैच होता है। हाँ, बहुत लोगों ने 3 इडियट रिलीज होने के बाद में ये चीजें मुझे पूछी भी कि क्या आप 3 इडियट से इंस्पायर्ड है, बट मेरा फोटोग्राफी उससे काफी पहले शुरू हो गया था। सो मैं एक इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से। बींग एन इंजीनियर आपको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में, गैजेट्स में काफी इंटरेस्ट रहता ही है पहले से। मैं एक बहुत छोटे कैमरे से मैंने चालू किया था। तब इंडिया में 5 मेगापिक्सल नॉन प्रोफेशनल कैमरा वाज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास अवेलेबल दैट टाइम। तो मैं एक छोटा सा, करेक्ट करेक्ट, तो मैं डिजिटल कैमरा से मैंने चालू किया। मैंने फिल्म कैमरा भी देखा है, मेरे घर पे फिल्म कैमरा रहा है, हमने यूज़ किया, बट जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हुआ तो 5 मेगापिक्सल वॉज माई फर्स्ट कैमरा। और शादी में जो शगुन के कवर आते हैं उसके पैसे कलेक्ट करके मेरा पहला कैमरा आया हुआ शादी है, के आपकी शादी मेरी शादी के। ओ, क्या बात है। सो दैट टाइम कैमराज वर प्रिटी एक्सपेंसिव, इट वाज अ वेरी न्यू जॉब, तो मतलब अलग से एक 50,000 का कैमरा अफोर्ड करना, 2 लाख का लेंस अफोर्ड करना, जब आपका बॉम्बे में खुद का घर नहीं है, राइट, वाज अ डिफिकल्ट थिंग। करेक्ट सो करेक्ट। उस चीज को प्रायोरिटी देना आपको हाँ थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। तो इनिशियली जो शादी के शगुन के कवर आए थे उसमें से जो फर्स्ट कलेक्शन मेरे हाथ में मैंने देखा, जो मुझे किसी ने मांगा नहीं, उससे मैंने मेरा पहला कैमरा खरीदा था। सो इट वाज अ स्मॉल डिजिटल कैमरा जो मैंने रेगुलर शादी के बाद जब हम लोग घूमने गए उन मोमेंट्स के लिए खरीदा था। मतलब जनरली जैसे हम लोग कैमरा खरीदते खरीदते हैं हैं घर के वैसे फैमिली फोटोज वैसे निकालने के लिए वगैरह उसे। तो हम लोग घूमते हुए, हम लोग ऋषिकेश से नैनीताल की तरफ जा रहे थे, अपना आपकी उत्तर, आप और आपकी मैं वाइफ। और मेरी वाइफ, उत्तराखंड टूरिज्म का बस बस में ओके। हम लोग नैनीताल की तरफ जा रहे थे। जाते वक्त बड़ा सा फॉरेस्ट आता है, बीच में ही बस वाले ने एक इमरजेंसी ब्रेक लगाया एंड वी वेर सरप्राइज के सामने गाड़ी नहीं दिख रहा है, और इमिजिएटली कैसे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, देखते हैं तो 20 से 30 एलिफेंट्स का हर्ड रोड क्रॉस कर रहा था। मेरे लिए लाइफ में, जू के बाहर वाइल्ड लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस था कि कोई इतने बड़े साइज का एनिमल मैं इतने क्लोजली देखो। हमने लिटरली ड्राइवर के पास में जो सबसे लार्ज व्यू है वहाँ जाके बैठ के मैंने उन एलिफेंट्स को जाते हुए देखा। वो जो एलिफेंट भागने का थम था
करेक्ट, वो आई कैन स्टिल फील इट. आई मीन आई थिंक दैट इज वेयर माई इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ स्टार्टेड. हम लोग वहीं पे उतर गए, वहाँ से रिटर्न ऋषिकेश आए सो दैट आई कैन गो टू राजाजी नेशनल पार्क जहाँ से ये एलिफेंट माइग्रेट कर रहे थे. अच्छा, आपने प्लान चेंज मैंने कर मेरा दिया. प्लान वहीं पे अब्रप्टली चेंज कर दिया एंड वी केम बैक टू ऋषिकेश अगेन. नेक्स्ट डे आई रादर हायर्ड अ थ्री व्हीलर देयर टू गो टू राजाजी नेशनल पार्क, क्योंकि ऐसा कोई कन्वेंस इजी था नहीं वहाँ पे. राजाजी हम लोग गए, तब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इतना प्रोग्रेस नहीं था. राजाजी आज भी बहुत एलिजिव लोकेशन है, काफ़ी लोग जाते नहीं है क्योंकि वहाँ पे टाइगर मूवमेंट नहीं है ज़्यादा. मेरा एजेंडा एलिफेंट देखना था तो मैं एलिफेंट देखने के लिए चला गया. एलिफेंट्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. वहाँ पे लोकल हमने गाइड हायर किए, उन्होंने ये बताया कि हम लोग जहाँ से एलिफेंट्स देख रहे हैं देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस के एलिफेंट चार्ज करे क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट्स हैं. तो वहाँ पे रिवर के पास में एक मचान था, थ्री स्टोरी मचान था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. तो उस मचान पे जाके हमने एलिफेंट्स देखे. देख के हम लोग उतर के जब आ रहे थे तो जहाँ पे मचान ख़त्म होता है वहाँ पे हमें लेपर्ड्स के फ्रेश पॉज दिखे जो हम लोग ऊपर जाते वक्त नहीं थे. ओके. एंड दैट वाज काइंड ऑफ एन आइसिंग ऑन द केक. फिर गाइड ने हमें लेपर्ड्स की स्टोरी सुनाई कि लेपर्ड्स का मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है. एंड वी सॉ फ्लिकर ऑफ अ लेपर्ड फार अवे फ्रॉम अस, बट दोज रॉशेट्स वॉट वी सॉ, आई मीन दे वेर सो मैग्निफिसेंट. तो फिर वो इच्छा जगा कि नहीं, नज़दीक से देखना है, सामने से देखना है और पूरा लेपर्ड मूव होते हुए देखना है. दैट इज़ वेयर द होल सेंस ऑफ फोटोग्राफी स्टार्टेड. सो आई कुड नॉट कैप्चर दोज मूमेंट्स दैट टाइम बिकॉज इट वॉज सो ओवरवेलमिंग दैट देर करेक्ट, वॉज नो चांस ऑफ टेकिंग योर स्मॉल डिजिटल कैमरा आउट एंड टेकिंग अ फोटोग्राफ. राइट. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सिंक इन दैट मोमेंट. सो शायद पहले दो या तीन ट्रिप ऐसे थे जब रेगुलर डिजिटल कैमरा यूज़ किया. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वॉज नरेटिंग दीज स्टोरीज टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, पीपल हु न्यू, दे वॉन्टेड टू सी गुड फोटोग्राफ्स ऑफ द मोमेंट द वे आई वॉज डिस्क्राइबिंग. सो आई थॉट आई थिंक इट्स नाउ टाइम दैट आई शुड गेट ऑन टू अ डी एस एल आर. एंड बाई दैट टाइम आई वॉज मेकिंग माई ओन मनी, सो आई डिड नॉट हैव टू सेल अ लैपटॉप टू बाय अ कैमरा. करेक्ट. आई वेंट अहेड एंड बॉट अ कैनन 1000 डी. दैट वॉज माई फर्स्ट राइट. बेसिक डिजिटल बट कैमरा. इवन आफ्टर स्टार्टिंग सो लेट, मतलब इतना लेट आपने चालू किया, मतलब शादी के बाद आपको इंटरेस्ट हाँ आया, आज की तारीख में आपके 1000 से ज्यादा सफारीज हो गए हैं. हाँ बींग बॉर्न इन इंडिया आई थिंक कोई भी वाइल्ड लाइफर के लिए इससे अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है. आइदर इंडिया और सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ पे हमें मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ देखने मिलता है, एक्सपीरियंस करने मिलता है और डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस करने मिलता करेक्ट. है. सो इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको टाइगर्स देखने मिलते हैं. रादर इंडिया इज़ द टाइगर कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड. 80% पॉपुलेशन आप जानते हैं टाइगर्स का, आपको इंडिया में ही देखने मिलेगा. आपको लेपर्ड्स देखने मिलते हैं, आपको 7 different types ऑफ वाइल्ड कैट्स देखने मिलते हैं, सिविट्स देखने मिलते हैं, बॉब कैट देखने मिलते हैं, पलासिस कैट, आई मीन यू नेम दी वाइल्ड कैट एंड वी हैव इट इन इंडिया. रादर वी आर दी ओनली कंट्री जहाँ पे हमें लायन और टाइगर दोनों भी देखने मिलते हैं. गिर में हमारा एशियाटिक लायन का एग्जिस्टेंस है और काफ़ी अच्छे नंबर्स में है. तो आपको लायन, अफ्रीका में आप जाएंगे आपको टाइगर देखने नहीं मिलेगा. आप इंडिया आओगे आपको लायन देखने मिलेगा, टाइगर देखने मिलेगा, लेपर्ड देखने मिलेगा. लेपर्ड में भी इंडिया में आपको मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स देखने मिलेंगे जो इंटरनेशनली बहुत रेयरली देखने मिलते हैं, बहुत रेयर स्पीसीज है. इट्स अ ब्लैक पैंथर, हम लोग बगीरा जिसको बुलाते हैं या बच्चे जिसको बगीरा के नाम से जानते हैं. तो ब्लैक पैंथर और ब्लैक लेपर्ड इज अ मेलेनिस्टिक लेपर्ड. ये डीएनए म्यूटेशन की वजह से इनका पूरा कलर वो स्किन का स्पॉट पिग, जो है वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब नहीं रॉशेट्स आपको रहेंगे बट रॉशेट्स बहुत लाइट हो जाते लाइट. हैं. आपको एक स्पेसिफिक एंगल में अगर उस एनिमल के ऊपर लाइट गिरता है तो आपको तो रॉशेट का नहीं. पैटर्न देखने मिलेगा, अदरवाइज फ्लैट लाइट में आपको लेपर्ड टोटली ब्लैक लगेगा. इट वोंट बी अ येलो और अ ब्राउन और एन ऑरेंज लेपर्ड. राइट. सो
अपने इंडिया में ऐसे देखने जाए तो आपको टाइगर्स में भी हाँ एक बहुत रेयर स्पीसीज है, जैसे मेलानिस्टिक, आपने ब्लैक टाइगर सुना ही नहीं होगा। ब्लैक टाइगर ब्लैक टाइगर, सो नहीं सुना। अभी वो टाइगर टोटली ब्लैक नहीं है, बट इट ओके इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। जैसे अगर आप टाइगर देखे तो नॉर्मली टाइगर आपको लार्जर येलो स्ट्राइप्स विद स्मॉलर ब्लैक स्ट्राइप्स करेक्ट दिखेगा। नाउ विद दीज टाइगर्स, दीज आर ब्लैक स्ट्राइप्स विच आर डोमिनेटिंग दी ओवरऑल टेक्सचर। सो आपको बहुत छोटे येलो स्ट्राइप्स हैं जो कि ओके ओवर जनरेशन आर टर्निंग इन टू ब्लैक स्ट्राइप्स। अच्छा, इसके ऊपर अभी काफ़ी रिसर्च और ये होना कहाँ पे बा हो रहा है? ये उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, अच्छा जहाँ पे एक स्पेसिफिक फैमिली ऑफ टाइगर्स है जिसमें 3 मेलानिस्टिक टाइगर देखे गए हैं, जो अभी रिसेंटली काफ़ी सोशल मीडिया पे भी थ्री इज अ वायरल। गुड काउंट ना, थ्री इज़ मतलब अ वेरी बिग डिसेंट काउंट। काउंट। या एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा मॉनिटर्ड पार्क नहीं है सिमलीपाल, तो ओके क्वाइट पॉसिबल एक बार मॉनिटरिंग ठीक से हो जाए तो हाँ आपको एग्जैक्ट नंबर पता चले। काजीरंगा एक जगह है जहाँ पे हम लोग इसे गोल्डन टाइगर बुलाते हैं, गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर। सो ओके हाँ दिस इज बेसिकली एन अल्बिनो। सो टाइगर में अगेन म्यूटेशन इस तरीके से हुआ है कि जो टाइगर का ब्लैक स्ट्राइप्स है हाँ वो वाइट या ऑफ वाइट हो गया है। ओके करेक्ट, सो व्हेन दैट मर्जेस विद द येलो स्ट्राइप इट मोर और लेस लुक्स लाइक अ इट गोल्डन गोल्डन शिमर्स। फील। या ये सो काजीरंगा में एक गोल्डन टाइगर भी स्पॉट हुआ है, तो और जो ओके फ्रिक्वेंटली फोटोग्राफ भी हुआ है, काफ़ी सारे ओके हाँ फोटोग्राफर्स ने फोटो लिए हुए हैं। सो हम लोग जो बिग फाइव का बात करते हैं ग्लोबली, इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत इजीली आप बिग फाइव देख सकते हैं। बिग फाइव। बिग फाइव में लायन, ओके टाइगर, राइनो, एलिफेंट एंड लेपर्ड, ऑल ऑफ देम या ऑल फाइव ऑफ देम वी हैव इन इंडिया। वेरी फ्यू कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, हाँ रादर आई थिंक जस्ट एशिया में इंडिया इज़ द प्लेस वेर यू सी, राइट और केनिया में यू गेट टू सी बिग फाइव, बट टाइगर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, राइट मसाई दे मारा। मसाई मारा में। हाँ और वहाँ पे ब्लैक राइनोज है, दैट ऑल्सो आई मीन दैट्स ऑलमो दैट स्पीसी इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नाउ, ओके सो दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंजर्व दैट स्पीसी। राइट। माय गॉड, इट्स अ वास्ट या वर्ल्ड। इट्स अ वास्ट वर्ल्ड। देर वॉज अ टाइम जब इंडिया में चीता भी वाइडली प्रेजेंट था। चीता। हाँ, ओके ड्यूरिंग 1950s और 53s वेयर द टाइम जहाँ राइट पे लास्ट वाइल्ड चीता फोटोग्राफ किया गया था इंडिया में, उसके बाद में चीता एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया से। नाउ करंटली कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य हाँ प्रदेश में, जहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने बिलवेड प्राइम मिनिस्टर हु ओके इज़ अगेन अ बिग फैन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किए हैं वाह। एंड द प्रोजेक्ट इज़ डूइंग क्वाइट वेल राइट या बिकॉज़ इफ यू सी ओल्ड पेंटिंग्स नाउ। तो वहां पे चीता है, मतलब राजा हाँ महाराजाओं के साथ में चीता एक है, चीता हाँ था है। तभी के, मतलब। तो अपना हैबिटाट ऐसे है कि हाँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर 3 डिफरेंट वाइल्ड कैट्स टू सर्वाइव टुगेदर इन वन राइट फॉरेस्ट। सो कूनो में अभी वाइल्ड टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके दैट इज़ वन रीज़न आई थिंक दे हैव सेलेक्टेड कूनो एज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे चीता री इंट्रोड्यूस कराया वो गया वाओ। है। अच्छा, अभी एज एन आर्ट, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट लोगों को भी बोल रहे हैं, तो इसके पीछे के हम स्टोरी सारे जानेंगे, लेकिन उसके पहले एज एन आर्ट, मतलब वो आपने कहाँ से सीखा कि एपर्चर इतना होना चाहिए? आपने कुछ कोर्स किया या ऑनलाइन सीखा, मतलब टू गेट अ गुड पिक्चर, यू नो, टू मेक इट मेस्मराइजिंग, यू नीड ऑल द टेक्निकल डिटेल्स, राइट? करेक्ट। कहाँ, तो वो कहाँ पे आपने? इनिशियली तो फील्ड में बिना कोई ट्यूटर के हम लोग कैमरा यूज़ करते थे। हाँ इट साउंड्स वेरी क्रिमिनल बट ऑटो मोड पे हाँ मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स वुड स्टार्ट इट दैट वे। देन स्लोली स्लोली जब फोटोज़ उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तब जो फेलो फोटोग्राफर्स हैं हाँ उनसे कुछ इनपुट्स लिए। ओके आई थिंक द होल मैजिक इज़ अबाउट द एक्सपोजर ट्राइंगल इवन इन वाइल्ड लाइफ। आई मीन जैसे रेगुलर फोटोग्राफी में एक्सपोजर ट्राइंगल इज ईजी टू सेट बिकॉज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, करेक्ट वाइल्ड लाइफ में वो नहीं है। सो वाइल्ड लाइफ में वॉट आर द एवरेज सेटिंग्स दैट यू हैव राइट एंड देन रेस्ट ऑफ इट इज़ योर क्रिएटिविटी। कंपोजिशन हर कोई फोटोग्राफर का अलग स्टाइल है कंपोज करने का। आई करेक्ट थिंक
हर किसी का सिग्नेचर स्टाइल है कंपोज करने का. सो वाइल्ड लाइफ में फ्यू पीपल वुड लाइक टू शूट इट वेरी क्लोज वेरी टाइट. किसी को लैंडस्केप्स पसंद है, उनको हैबिटेट्स दिखाने ज़्यादा पसंद है, किसी को हैबिटेट के साथ एक्सप्रेशन दिखाना है, तो देन दे गो टू अ फोकल लेंथ ऑफ 200. ये चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे सफारीज की वैसे सीखी. आई थिंक इंडिया में काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो वाइल्ड लाइफ सफारीज कंडक्ट करते हैं, और जहाँ पे कंडक्ट करते वक्त वो ट्रेन करते हैं कि ये सिचुएशन में कैसे फोटोग्राफ लिया जाए. सो मिस्टर शिवांग मेहता, वन ऑफ द वेरी वेल नोन फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया, मैंने उनके साथ कुछ सफारी की है. सुधीर शिवरामन इज ऑल्सो अ वेरी नोन फोटोग्राफर ऑफ इंडिया, उनके साथ एक दो सफारीज की है. एक बार जब बेसिक पता चल जाए उसके बाद आई थिंक एग्जीक्यूशन इज ऑल ऑन अस. बेसिक्स उतने डिफिकल्ट नहीं है ऑनेस्टली, आई मीन एक्सपोजर ट्रायंगल समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इट इज ऑल अबाउट व्हाट आर योर रिफ्लेक्सेस. इसके लिए द मोस्ट सेंसिटिव थिंग और द मोस्ट क्रिएटिव नॉन टेक्निकल थिंग यू नीड टू नो इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज द बिहेवियर ऑफ द एनिमल. आप जिस एनिमल को शूट कर रहे हो वो एनिमल का बिहेवियर क्या है, वो अब आपको क्या एक्सप्रेशन कैप्चर करना है, और वो एक्सप्रेशन आपको उसके मूवमेंट से जज करना पड़ेगा कि अभी वो एक्सप्रेशन शायद मिलेगा. अगर एनिमल मूविंग है तो योर माइंड हैज़ टू कंटिन्यूसली कैलकुलेट के अगर शेडो से लाइट में आ रहा है तो आपका क्या सेटिंग्स है जो चेंज होना चाहिए. इफ़ ही इज स्टॉकिंग सम डियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड के कब टाइगर का स्पीड बढ़ने वाला है और वो टाइम पे आपका शटर स्पीड क्या रहना चाहिए. सो यू हैव टू बी टू स्टेप्स अहेड ऑफ द एनिमल, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द एनिमल. जैसे एलिफेंट्स का बिहेवियर आप काफी इजीली समझ सकते हो. एलिफेंट्स आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल, टाइगर्स आर नॉट. शायद आपको टाइगर्स का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना है तो यू नीड टू हैव 20-30-40 सफारीज अंडर योर बेल्ट वेर यू हैव क्लोज एनकाउंटर्स विद टाइगर टू अंडरस्टैंड टाइगर इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा. समझ में टाइगर पानी में बैठा है उसका बिहेवियर क्या होगा. ही इज कंपेरेटिवली वेरी काम, आपको बहुत टाइम देगा, और वो 4 या 5 बार स्टॉप करके पानी पिएगा और पानी से निकलने के पहले एक बड़ा यॉन देगा. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू कैप्चर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग और वाटर ड्रिपिंग आउट ऑफ हिज बॉडी टेल, यू शुड वेट फॉर दैट वन मोमेंट जब टाइगर वो इंडिकेशन दे दे कि अभी वो पानी से निकलने वाला है. एंड दैट इज द टाइम यू नीड टू रीसेट योर कैमरा फॉर दैट मोमेंट, फोर्सिंग दैट मोमेंट एंड देन कैप्चरिंग. ये टाइगर के लिए हुआ. लेपर्ड के लिए भी सिचुएशन यही है कि लेपर्ड आपको लैंड पे बहुत कम दिखेगा मूव करते हुए, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ टोटली ग्रोन मैच्योर्ड लेपर्ड जो 10 साल 8 साल जितना है, जो बहुत बोल्ड लेपर्ड है. ऐसे इंडिया में कम ही दिखते हैं बिकॉज टाइगर्स का मूवमेंट है लैंड पे, तो लेपर्ड ट्राई टू अवॉइड मूविंग इन द टाइगर टेरिटरी. तो लेपर्ड नॉर्मली अगर आपको दिखेंगे तो लेपर्ड आपको भागते हुए दिखेंगे या रोड क्रॉस करते हुए दिखेंगे. देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे वोंट इवन लैंड ऑन रोड, रोड के एक साइड से दूसरी साइड जंप करके निकल जाएंगे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग दोज शॉट्स एज वेल. सो लेपर्ड्स नॉर्मली हाइट में काफी कम रहते हैं, तो आपका इमेज का पावर तभी आता है जब आप एक तो आई लेवल शूट करो या आई लेवल से और नीचे जाओ तो इमेजेस मैग्नेटिक लगती है. यू नीड टू मेक श्योर कि आप कितना लोअर बेंड हो के विदाउट वॉयलेटिंग एनी रूल्स आप इमेज शूट कर सकते हो. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ. एवरी टाइम जब आप रणथंभौर जाते हो या जिम कॉर्बेट जाते हो तो दोनों का प्री प्रोडक्शन या फिर प्रिपरेशन अलग अलग होता है. मतलब रणथंभौर जाते टाइम में ये ऐसे जाऊंगा प्रिपेयर्ड, ये हैबिटेट वहां पे है, ये स्पीशीज मुझे वहां पे दिखने वाली है, और जिम कॉर्बेट जाते टाइम आपका प्रिपरेशन अलग होता है. एग्जैक्टली अलग होता है. एब्सोल्युटली. अच्छा okay. मतलब मोर ऑर द लेस गियर बहुत बार आप सेम साथ में कैरी कर लो फॉर अनफोर्सिन सिचुएशन, बट एक स्पेसिफिक सफारीज होने के बाद में आप जब जाओगे तो आप कोई स्पेसिफिक इमेजेस लेने के लिए पार्क में जाते हो. आप उसके पहले आप वहाँ पे कौन से मूवमेंट्स आपको ट्रैक करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेक्स्ट वीक रणथंभौर जाना है तो वहाँ पे जोन 3 में रिद्धि नाम से एक टाइग्रेस है जिसके बच्चे हैं.
एंड दी कब्स आर ऑफ द एज जहाँ पे इनका मदर के साथ काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन होता है. सो इस सिचुएशन में यू वुड लाइक टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल. तो आप उसमें आपका 400 लेंस लेके जा रहे हो, उसमें आप 2x कन्वर्टर साथ में लेके जा रहे हो, और आप अगर रिद्धि के एरिया में हो, दैट इज द शॉट दैट यू वांट टू टेक, कि जहाँ पे बच्चे मदर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. इनका एक तरीका है इंटरेक्शन का, जैसे अगर मदर ने किल किया है और कब अगर मदर के पास से जा रहा है, तो ही विल कम एंड रब हिज फेस अगेंस्ट मदर्स फेस. दैट मोमेंट इज अ मोमेंट विच You can feel that the kid is trying to communicate something to the mother. Right. So, वो moments अगर आपको capture करने हैं, तो you need to go extremely tight in the frame. तो ऐसे वक्त पे आप 400 2x converter के साथ लेके जाओ, so that you go and capture those expressions very close. So, बहुत बार ऐसा है कि parks like Kaziranga, Manas, जो extreme northeast में है, Namdafa, जहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन लग जाते हैं. तो ऐसे फॉरेस्ट के लिए तो यू हैव टू बी वेरी वेल प्लान. इफ़ यू वांट टू फोटोग्राफ स्नो लेपर्ड्स, आपको लद्दाख जाना है, आपको स्पीति जाना है, एब्सोल्युटली ट्रेचरस टेरियन, -28 degrees, -29 degrees, जहाँ पे आपको एक्लमेटाइज करने में 4 दिन निकल जाते हैं. ऑल दीज सफारीज हैव टू बी वेरी वेल प्लान्ड इन एडवांस. बट आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड क्वाइट अ बिट. So it's only batteries which drain pretty fast. Baki otherwise cameras, they do withstand these kind of temperature. At least the premium lenses, the premium bodies which are offered by Canon, Nikon, they withstand these kind of harsh condition. But yes, batteries drain out very fast. So you need to make sure that you are carrying enough batteries when you go to such kind of treacherous terrains. Aapko agar snow leopard khichna hai, snow leopard ka photography, स्नो लेपर्ड्स नॉर्मली डिसेंड फ्रॉम हिल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स. एक्सट्रीम विंटर्स में उनको प्रे के लिए इतना नीचे आने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. बट जब ये नीचे की तरफ आते हैं, दैट इज़ दी ओनली विंडो वेयर यू आर एबल टू फोटोग्राफ दैम. सो दोज 3-4 months आर द मंथ्स वेयर द सिचुएशन इज़ प्रिटी टफ. आई मीन फॉर समबडी स्टेइंग इन बॉम्बे और डाउन साउथ, जिन्होंने जेन्युइनली 0 degree कभी मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, इफ़ यू पुट देम टू अ सिचुएशन जहाँ -30 degree टेम्परेचर है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दो सिचुएशन. सो बहुत लोग हैं जो वहाँ तक जाके रिटर्न आ जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट. सो Photographing snow leopard has its own adventure. I mean, that for me is a real adventure photography. Wildlife plus adventure together. Correct. You need to trek 7 kilometers one way, so 14 kilometers in a day, carrying the whole gear, patiently waiting for the snow leopard to, you know, take his trail and wait patiently for that moment to arrive. There are people jo 7-7, 8-8 saal is treacherous terrain mein स्नो लेपर्ड शूट करने के लिए घूम रहे थे और इनके पास फोटोज नहीं थे. लेटली देर आर फ्यू फैमिलीज हु आर काइंड ऑफ मोर हैबिचुअल टू ह्यूमन हैबिटेट्स, और जो ह्यूमन हैबिटेट के पास में जो इजी प्रेज इनको मिल रहा है, उसकी वजह से शायद अभी परमानेंटली यहाँ स्टे कर रहे हैं. तो उनके फोटोग्राफ शायद अभी लास्ट 4-5 साल में काफी ऑफनली आपको सोशल मीडिया पे देखने मिलेंगे. जब आप वाइल्डलाइफ फोटोग्राफ करते हो, अभी जैसे ड्रोन आए हुए या फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो कितना अलाउड है या फिर नेचर के कितना आप इंटरफेयर करो या ना करो, इसका कोई बाउंड्री या सच है? मतलब कैन यू यूज ड्रोन, यू कैन नॉट यूज ड्रोन, राइट? एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. इंडिया में नेशनल पार्क्स में आप अभी ड्रोन नहीं यूज कर सकते. आई थिंक ड्रोन्स अभी कितने भी साइलेंट अगर हुए भी है, तो देयर इज एन एब्सोल्यूट डिस्टर्बेंस टू दी वाइल्ड लाइफ बिकॉज ऑफ ड्रोन. सो आपको अगर ड्रोन यूज करने हैं, तो आउटसाइड नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ है, अगर आपको वो वाइल्ड लाइफ शूट करना है, अगर आपको वो ट्रेल्स पता है, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स है जो ड्रोन यूज करते हैं, बट दैट इज आउटसाइड द नेशनल पार्क जहाँ पे आपको ऑफिशियली ड्रोन यूज करने का परमिशन है. बट इथिकली माई पर्सनल ओपिनियन और माई पर्सनल belief doesn't allow me to do it, because I feel that is a disturbance to the wildlife, and that is a boundary which we humans should not cross.
वी शुड नॉट गेट इन टू, वी शुड नॉट इन्फ्रिज इन टू दैट स्पेस ऑफ आवर लाइफ. सो ड्रोन फोटोग्राफी इंटरनेशनली काफ़ी जगह पे अलाउड है. तो अ लॉट ऑफ इंडियन फोटोग्राफर्स हु आर फैसिनेटेड बाय दीज फोटोग्राफ्स दे गो अब्रॉड और फिर बाहर ये ड्रोन्स कैरी करके फोटोग्राफी करते हैं. इंडिया में कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट ओकेजनली होता है एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट मूवमेंट अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू इट देयर. बट अभी भी वेदर दैट इज लीगल और नॉट लीगल देयर इज एन एम्बिग्युटी अराउंड इट. सो यू वोंट सी दोज फोटोग्राफ्स फ्लोटिंग अराउंड ऑन द सोशल मीडिया. राइट राइट राइट. व्हाट आर द अदर प्लेसेस अदर देन दीस नेशनल पार्क जहां पे नेचुरल हैबिटेट में आपको फोटोग्राफ्स मिलते हैं? सो ऐसे काफी सारे एरिया है जहां पे वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर नेशनल पार्क. जैसे राजस्थान में एक लोकेशन है जवाई बांध या बेड़ा. ये जो एरिया है एक 70-80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ग्रेनाइट हिल्स है. हिल्स है जहाँ पे आपको काफ़ी रॉक्स है और जिसमें एनिमल्स को कवर मिल जाता है. तो ये हिल्स पे एवरी सिंगल हिल हैव अ लेपर्ड फैमिली. तो देर आर 20 or 25 सच लार्ज हिल्स जहाँ पे लेपर्ड के फैमिलीज वाइल्ड लेपर्ड के फैमिलीज स्टे करते हैं. और शायद इन हिल्स के बीचों बीच एक गांव है जिसका पॉपुलेशन शायद 3,000-3,500 है एंड दे आर लिविंग विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. क्वाइट देर आर टू ब्यूटिफुल लोकेशंस जहां पे इन हिल्स के ऊपर महादेव का टेंपल है, हनुमान जी का टेंपल है. अच्छा. और आपको एक 350-400 स्टेप्स चढ़ के आपको टेंपल में जाना है और आप टेंपल में चढ़ रहे हैं और सामने आपके लेपर्ड बैठा हुआ है स्टेप्स के ऊपर. There are quite a few such places as well, जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाएगा. सो इंडिया में जो हजार सफारी या जो भी सफारीज हमने की है अभी तक, दीज आर इन डिफरेंट पार्क्स. जैसे रणथंबोर में आपको हिस्टोरिकल रुइंस मिलेंगे, लेक्स मिलेंगे. ताड़ोबा हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. ताड़ोबा में आपका बैम्बू फॉरेस्ट है, रेड सॉइल है, तो आपको वो बैकड्रॉप ताड़ोबा का अलग मिलेगा. ताड़ोबा में भी काफ़ी बड़े लेक्स हैं दो. एब्सोल्यूट शरीन ब्लू वाटर्स जिसके बैकड्रॉप में आप मतलब टाइगर फोटोग्राफ कर सकते हो. इसके बाद में पन्ना हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. पन्ना में आपको टॉप डाउन एंगल मिलता है, मतलब टाइगर का जो मूवमेंट है वो आप हिल के ऊपर से मॉनिटर कर सकते हो. सो यू हैव ह्यूज रॉक्स जिसके ऊपर आपको अगर टाइगर सोते हुए फोटोग्राफ करना है तो पन्ना इज अ प्लेस वेर यू कैन गो एंड डू इट. काजीरंगा टाइगर्स आर एक्सट्रीमली फेरोशियस. तो आपको अगर वीडियो यूट्यूब द टाइगर जंपिंग एलिफेंट के ऊपर तक उसे वो मांग सकते हैं या फेमस वीडियो. तो वहाँ पे दे आर नॉट यूज टू द व्हीकल मूवमेंट्स या पहले वहां पे इतना ज्यादा टूरिज्म नहीं था जिसकी वजह से टाइगर इन मूवमेंट से अनअवेयर है. सो इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट फैमिलियर. आई डोंट नो हाउ राइट इज इट टू मेक देम फैमिलियर विद दीज मूवमेंट बट अ लॉट ऑफ पार्क्स दीज कब्स आर बॉर्न इन द मिडल ऑफ आई मीन जिप्सी सराउंडिंग देम. सो दे आर यूज्ड टू दीज व्हीकल्स. प्लेसेस लाइक काजीरंगा मानस दे आर नॉट यूज्ड टू. सो एक तो इनका साइटिंग बहुत कम होता है और दूसरा अगर होता है तो दे आर वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स द व्हीकल. सो अगर आपको टाइगर का एग्रेशन देखना है तो आई थिंक दीज आर द पार्क्स वेयर यू शुड गो. डाउन साउथ आप जाएंगे तो कबिनी इज अ फॉरेस्ट विच इज ओपन ड्यूरिंग द मानसून. अ लॉट ऑफ अदर फॉरेस्ट मानसून में ओपन नहीं है. तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर के लिए काफ़ी फेमस है, लेपर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है. तो यहाँ पे आपको दीज आर बेसिकली द नीलगिरी रेंजेस जहाँ पे आपको पेड़ों के ऊपर लेपर्ड का फाइट देखने मिले, लेपर्ड का मीटिंग देखने मिले. टेम्पल के टॉप पे टाइगर या लेपर्ड बैठा हुआ मिले. सो दिस काइंड ऑफ इमेजेस यू वांट कबिनी वाज वन ऑफ द प्लेसेस जहां आप जा सकते हैं. इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल इंडिया विच इज द डेंसली पॉपुलेटेड टाइगर टेरिटरी नियर नागपुर, पेंच नेशनल पार्क है, वहां आपको काफ़ी बड़ा टिकवुड फॉरेस्ट है. तो टिकवुड के साथ साथ आपको टाइगर देखने मिलता है. वहाँ से हाईवेज क्रॉस हो रहे हैं. गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए. अगर वाइल्ड लाइफ के बीच से अगर फ्लाईओवर्स क्रॉस हो रहे हैं तो दे हैव मेड श्योर के उसके नीचे दे हैव केप्ट द एरिया नेचुरल सो दैट
टाइगर्स कैन माइग्रेट वेरी इजीली फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड. सो आई मीन इंडिया में ही आपको काफ़ी डाइवर्सिटी मिल जाएगा, काफ़ी अलग एरियाज मिल जाएंगे, काफ़ी अलग बैकड्रॉप मिल जाएंगे. टाइगर्स में भी जब आप इतने सफारीज करते हो तो आपको टाइगर्स में भी फर्क पता चल जाता है. यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ टाइगर इन रणथंबोर अगेंस्ट अ टाइगर इन जिम कॉर्बेट फॉर दैट मैटर. जिम कॉर्बेट टाइगर्स आर तेरे ही टाइगर्स, तो दे आर एक्सट्रीमली हेल्दियर, लार्ज इन साइज. इनका कोट काफ़ी थिक होता है, मे बी बिकॉज ऑफ विंटर्स एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालय है, तो बिकॉज ऑफ द कोल्ड एरियाज उनका कोट डिफरेंट होता है. एज अगेंस्ट रणथंबोर या बांधवगढ़ या कान्हा नेशनल पार्क है, इनका कोट काफ़ी अलग है. तो एक 12-13 साल पहले रणथंबोर में मैंने एक मोमेंट देखा था जहाँ पे कृष्णा नाम की जो टाइग्रेस है, बहुत फेमस टाइग्रेस थी मछली, उसका लेटर था कृष्णा. मछली तो बहुत मछली, हाँ मतलब आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइगर्स इन द वर्ल्ड. सो कृष्णा वाज क्रॉसिंग वन स्पेसिफिक पैच ऑफ ट्रीज, अमल्टास के ट्रीज थे, और टोटल बैकग्राउंड में एट इट्स ब्लूम अमल्टास था, मतलब कंप्लीट येलो अमल्टास है, और उस ट्रीज के कैमोफ्लाज से कृष्णा क्रॉस कर रही है. इट वॉज एन अमेजिंग मोमेंट एंड समहाउ आई कुड नॉट कैप्चर द होल एसेंस ऑफ दैट मोमेंट. मतलब मैंने जो इमेजेस लिए वो शायद थोड़े टाइट हो गए थे. इट वॉज वेरी अर्ली डेज जब मैं प्रोफेशनल कैमरा लेके, सो आई हैड टू वेट फॉर 10 years टू सी दैट मोमेंट अगेन. एवरी टाइम आई यूज टू गो फ्रॉम दैट एरिया आई यूज टू होल्ड अ कैमरा एंड अ लेंस ऑफ द फ्रेम दैट आई वॉन्टेड. सो एक 70-200 है और मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे टाइगर कभी दिखेगा तो दिस इज द फ्रेम दैट आई वॉन्ट टू शूट. आई थिंक मिनिमम 50-60 सफारीज ऐसी हुई जहाँ पे कैमरा हाथ में है और टाइगर है, मूवमेंट में टाइगर है नहीं. या 2-3 बार ऐसा हुआ कि टाइगर बहुत नियर बाई एरिया से मूव कर गया बट द टाइगर डिड नॉट क्रॉस दैट पैच जिसमें अमल्टास बैकग्राउंड में आए. 12-13 साल के बाद एक मूवमेंट ऐसा मिला जहाँ पे एट लीजर टाइगर वॉज वॉकिंग थ्रू दैट पैच ऑफ अमल्टास. नो, इट वॉज हर डॉटर. इट वॉज हर डॉटर. सो वन ऑफ द मैजिक इन अ लॉट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज आप जैसे इतना साल ट्रेवल करते हो आप उन फैमिलीज के साथ एसोसिएट होते हो, आपका एक इमोशनल बॉन्ड बनता है. मैंने वही एरिया में मछली को देखा है, वही एरिया में कृष्णा को देखा, वही एरिया में एरोहेड को देखा, और अभी वही एरिया के आसपास मैंने एरोहेड की डॉटर रिद्धि है उसको और उसके कप्स को भी खींचा है. सो दीज आर लाइक 4 generations ऑफ टाइगर. सो दे बिकम योर फैमिली. मतलब जब भी रणथंबोर में किसी को कॉल करता हूँ, अभी काफी दोस्त है रणथंबोर में जिनको कॉल करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी आस्क इज यार रिद्धि के बच्चे कैसे हैं, मतलब क्या एरोहेड जैसे ही थे, दादी जैसे है या परदादी जैसे है, और वी सी दैट डीएनए कमिंग. जैसे मछली वॉज नोन बिकॉज ऑफ हर फाइट विद अ क्रोकोडाइल. मछली ने क्रोकोडाइल को लिटरली सर से पकड़ के उसका सर खोला हुआ था. वो सेम एग्रेशन कृष्णा में नहीं दिखाई दिया. कृष्णा वॉज रादर लेसर रिस्क टेकिंग टाइग्रेस एज कम्पेयर टू मछली. वन ऑफ द रीजन वॉज कृष्णा ने शायद उसका एक लीटर में एक छोटा सा कप उसका लेक में शायद क्रोकोडाइल लेके निकल गए. 4 बच्चे एंटर किए और 3 ही बच्चों ने क्रॉस किया. शायद वो एक रीजन था, वो कभी बहुत पानी के पास गई नहीं. बट उसी लीटर से एरोहेड है जो जिसने 3 या 4 बार क्रोकोटाइल को अटैक किया है लेक के ऊपर. नाउ वी डू नॉट सी द सेम थिंग इन रिद्धि बट वी लुक फॉरवर्ड फॉर हर कब्स नाउ दैट मे बी वन ऑफ हर कब्स वुड अगेन यू नो ट्राई टू अटैक द. सो देयर इज एन एंटायर स्टडी, या मतलब प्रोजेनी का पूरा स्टडी है ना उसमें कि आपको उसका. एग्जैक्टली. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ हाउ वी प्रिपेयर, I think what moments you want to capture, you have to be prepared for that. I mean, आपको अगर gate crossing का moment लेना है और आप वो एक frame के लिए, मैं शायद कम से कम मैंने मेरे 20 सफारी वो एक gate के सामने बैठ के निकाल दिए कि पास में tiger का movement है and I wanted that frame जहाँ पे gate cross करके tiger आ रहा है, and then you have to just sit and wait.
देयर माइट बी अ केस कि आप शायद 4 दिन आपके बिजी स्केड्यूल से निकाल के हर महीने फॉरेस्ट जाओ एंड यू लैंड लैंड अप विद नॉट अ सिंगल फोटोग्राफ ऑफ टाइगर जस्ट बिकॉज आपको वो सिंगल इमेज चाहिए और आप वो गेट के सामने ही बैठे हैं टाइगर का वेट करते हैं. सो इट इज सो थ्रिलिंग कि दिस इज समथिंग यू कैन नॉट बाय विद मनी. या है ना, ये कोई रिसोर्ट नहीं है कि भाई मैं वहां पे गया टाइगर आ गया. दिस इज समथिंग यू बी पेशेंट फॉर, मतलब एंड यू कैन नॉट गेट इट. मतलब इतना आप जैसे बोल रहे हो इतना प्रिपरेशन करके जाओ और वो चीज आपको मिलेगी नहीं, ये भी हो सकता है. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग or the biggest addition in my personal life out of wildlife is the patience. It teaches you patience. आपका 2 सफारी 3 सफारी ऐसा भी वक्त है जब आप 6 दिन के लिए गए हो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिस का साइड लाइन करके यू हैव ऑप्टेड टू गो फॉर अ वाइल्ड लाइफ सफारी 5 दिन और आपको एक भी फोटो ढंग का नहीं मिला हो या शायद टाइगर का मूवमेंट नहीं है या डायनामिक्स फॉरेस्ट का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते शायद कोई एक स्पेसिफिक मेल का मूवमेंट एक जोन में हो गया है और जिसकी वजह से जो रेगुलर टाइगर का मूवमेंट है वो इतना डिस्टर्ब हो गया है कि आपको 3-4 दिन शायद टाइगर रेगुलर ट्रैक पे दिखे ही नहीं और आपका सफारी वही 4 दिन में है वही जोन में है एंड देन यू जस्ट हैव टू कम बैक एम्प्टी हैंडेड. सो पेशेंस इज वॉट आई हैव लर्न थ्रू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन माई लाइफ. आपको चाहिए और आपको मिल गया. नेचर को जितना वेट कराना है उतना वेट कराएगा और उसके बाद ऐसा ही रिसेंटली एक इमेज मुझे 2019 में मिला. सो रणथंबोर में Zone 3 इज द मोस्ट पॉपुलर जोन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जोन्स ऑफ एनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया. आपको काफ़ी सारे लेक्स है, फोर्ट्स है, रूइंस है और इन सबके बीच टाइगर मिलना इज समथिंग व्हाट आई थिंक एवरी सिंगल ब्रिटिश फोटोग्राफर, एवरी सिंगल US बेस्ड फोटोग्राफर is dreaming of. शायद उनके लिए हमारे से भी ज़्यादा difficult है. Being an Indian, we get to go and access these places quite often. इसमें early morning हम लोग Zone 3 में अंदर enter किए. Enter करते हमें movement का feeling आया. Calls हो रहे थे. We knew that there is a movement. And surprisingly रिद्धि और सिद्धि एरोहेड की दो बेटियां थी, विच आई थिंक दे वर लाइक 16-17 मंथ्स दैट टाइम. दोनों भी लेक के दूसरे साइड में आई. नाउ वी नो दैट नेचुरली दे आर गोइंग टू जस्ट क्रॉस द लेक और फ्रॉम द एज ऑफ द लेक. पहली बार वो फीलिंग आया कि यहाँ पे जो फ्रेम चाहिए थे उसका एक नहीं बल्कि 2 चांस है क्योंकि दोनों भी एक एक बार क्रॉस करेंगे. सो पहली बार सिद्धि हु वाज कंपैरेटिवली अ लिटिल शाय शी केम अहेड. सिद्धि ने पहले क्रॉस किया और क्रॉस करते वक्त पीछे पदम तालाब या पदम लेक. पदम इसलिए बोलते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब ये तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ रहता था. अभी नहीं है, आफ्टर आई थिंक 2007 और 2008 के फ्लडिंग के बाद में कमल उसमें से पूरे मतलब वैनिश हो गए. बट लेक के बीचों बीच एक रूइन है, पुराना मॉस्क था एक जिसके रूइंस बचे हुए हैं. बहुत ब्यूटीफुल पेड़ है और उसके पीछे टोटल लैंडस्केप में रणथंबोर फोर्ट है. टोटल आपका कंप्लीट रणथंबोर के फोर्ट का स्पैन आपको उसमें दिखाई देगा एंड यू हैव अ टाइगर वॉकिंग और ये बैकड्रॉप में वन ऑफ द बेस्ट बैकड्रॉप फॉर अ टाइगर रिजर्व आपके सामने एंड द टाइगर इज गोइंग टू क्रॉस. द फर्स्ट थिंग विच क्लिक्स योर माइंड इज Do you have a wide-angle lens in your bag or not? So, बाकी का gear है, बाकी के photo लेने का छोड़ के, the best wide-angle what I had that time, the best body what I had, so I sacrificed those photos of the tiger coming. I wanted that one frame जहाँ पे tiger cross कर रहा है और backdrop में you have all these settings. Correct. It was a winter morning, absolute mist in the air.
द लेक इज शिमर ब्लू, वाटर वॉज काम एंड क्वाइट एज इट्स नेचर, एंड सिद्धि क्रॉस्ड. आई थिंक एक 25 या 30 फ्रेम्स मैं सिद्धि के ले पाया. और लेने के बाद में जब आप फोटो ले रहे हो तो बहुत बार आपका माइंड आपको फीडबैक दे रहा है कि शायद फोटो लेने के बाद में ये गलती हुआ है करेक्ट कर लो, ये गलती हुआ है करेक्ट कर लो. उन फ्रेम्स के वक्त शायद कितना वाइड रहना चाहिए कितना वाइड नहीं रहना चाहिए इसका जो भी फीलिंग आया वो जब सेकंड टाइम टाइगर ने क्रॉस किया तब वो करेक्ट करके, अच्छा रिद्धि जब क्रॉस किया, जब रिद्धि क्रॉस किया तब वो फ्रेम फिर से मैंने शूट किया. इवन द इनिशियल फ्रेम्स वर क्वाइट गुड बट आई थिंक नेचर गेव मी अ चांस टू करेक्ट इट ऑन द सेम डे इन द सेकंड गो. एंड आई थिंक दैट वॉज इट, द मोमेंट आई टुक दैट फ्रेम आई ड्रॉप माई कैमरा इन द कार, दैट आई एम डन फॉर द डे और रादर फॉर द ट्रिप और फॉर द ईयर. दिस वॉज वन ऑफ माई ड्रीम फ्रेम्स विच आई वॉन्टेड टू हैव. That frame also won an award at Nature in Focus Awards, one of the most prestigious awards in India, wildlife or rather internationally, yes, last year. Wow. So, one of the most memorable frame that I have. I mean, it has everything. It is a trademark Ranthambore frame where you have mist, you have a beautiful tiger. Tiger in winters, they have a different coat altogether. नेचर ने उनको वो ब्लेसिंग्स दी है कि विंटर्स के टाइम में उनका कोट थोड़ा थिक हो जाता है, थोड़ा फ्लफी हो जाता है, और समर्स के टाइम में वो थिन हो जाता है, शेड हो जाता है. तो इट वाज अ टिपिकल विंटर फॉगी मॉर्निंग व्हिच वी कुड कैप्चर अ लॉट दैट गॉट पब्लिश्ड इन टेलीग्राफ इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूके, इन यूएस. वाओ, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज. So you knew it the moment you shot it. Yeah, the moment I shot it, I think I didn't perceive it to be an award-winning image. Or I mean, that thing was never there in mind. But that was an image what I wanted to take during this lifespan. I did not want to die with. And to be very frank, it would have been a crime not to capture that kind of a moment. That image or that kind of a moment can inspire a lot of people to turn towards wildlife photography. Wow. Yes. That is inspirational. Yeah. That is inspirational. So, आपका frequency महीने में एक बार है ना? एक बार तो mostly. तो ये कैसे manage करते हो आप? So, बहुत बार ऐसा होता है. Office मेरा Borivali में है. So, we have a direct train from Borivali to Ranthambore in the evening. After office hours. Like, so 6:30 का ट्रेन रहता है. जिस दिन फ्राइडे के दिन जिस दिन भी आपका कैमरा बैग गाड़ी में है उस दिन घर वालों को पता है कि इनका 3 दिन का प्लान बना हुआ है. सो फ्राइडे इवनिंग ऑफिस खत्म होते ही वी कैच राजधानी एक्सप्रेस. ओके. अर्ली मॉर्निंग 5:45 रणथंबोर पहुंच जाता है. काफ़ी दोस्त है सो वी प्लान इट टुगेदर. कुछ दोस्त है जो दिल्ली से आ जाते हैं और मॉर्निंग में दे आर देयर ऑन द स्टेशन टू रिसीव मी. और वहाँ से एक व्हीकल सीधा एक बैग सीधा रिसोर्ट चला जाता है और कैमरा बैग के साथ हम सीधा फॉरेस्ट चले जाते हैं. सो 4 या 6 सफारी करने मिल जाता है. अगर मूवमेंट काफ़ी अच्छा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ साइटिंग इज गुड तो 1 दिन 2 दिन फिर घर पे बोल देते हैं, वाइफ ऑफिस मैनेज कर लेती और मैं 2 दिन का स्टे एक्सटेंड करके आ जाता हूँ. साइटिंग्स ज़्यादा होती है तो. वाओ. आप कितने भी दिलेर हो, आप कितने भी ब्रेव हो, आप जब 12 या 13 फीट का टाइगर रोड क्रॉस करके आपकी तरफ देख के स्नाल करता है, उसका 4-4.5 इंच का कनाइन आप देखते हो, 4 इंच का कनाइन आप देखते हो, आई मीन आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम विल फियर. एंड दैट ऑल्सो आई मीन दैट फियर ऑल्सो हैज इट्स ओन ऑरा अटैच्ड टू इट. एंड व्हेन ही जस्ट पासेस बाय विदाउट डूइंग एनीथिंग टेलिंग यू व्हाट हिज पावर्स आर, आई मीन दैट्स मैग्नेटिक. आई मीन वो बोलते हैं कि एक बार अगर वो चीज़ फील करने का आदत हो गया तो वो एक लत की तरह है. So, बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर 3 महीना सफारी नहीं गए और जाने के बाद में हम लोग पहले फॉरेस्ट में गाइड को पहले चीज़ बोलते हैं कि यार एक बार धारिया दिखा दो, बाकी का काम बाद में करेंगे, फोटोग्राफ लेना नहीं है, एक बार सिर्फ वापस टाइगर को देखना है जबकि आपने 3 महीने पहले देखा है. Correct, correct. So it's kind of an addiction. Right. एक बार आपको लग जाए, it is very difficult to get away from it. And it's an expensive one. अमित जी, कोई close encounter जहाँ पे आपके रोंगटे खड़े हुए types, मतलब जहाँ पे आपने इतना up close experience किया है tiger को? There was one very close encounter in Ranthambore.
देर इज एन एरिया जिसको परनिया बोलते हैं. परनिया इज मेनली बिकॉज छोटा सा फ्रेश वाटर स्ट्रीम है वहाँ पे. तो वहाँ पे एट एनी पॉइंट इन टाइम ऑल 12 मंथ्स बहुत कूल क्लाइमेट रहता है, ठंडा रहता है क्लाइमेट. और वहाँ लेफ्ट में फ्रेश फ्लोइंग वाटर है. अभी एग्जैक्टली वो जो फ्रेश फ्लोइंग वाटर है उसके बीच से व्हीकल निकलता है परनिया में. नॉर्मली वहाँ पे कभी टाइगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता नहीं है. एक बार हम लोग ऐसे ही फुल डे सफारी में आफ्टरनून में, कोई और व्हीकल नहीं था, और हम लोग परनिया क्रॉस कर रहे थे. द मोमेंट वी एंटर्ड इन टू परनिया, राइट इन द मिडल ऑफ क्रॉसिंग, आई कुड सी अ टाइगर राइट ऑन माई लेफ्ट. मतलब मेरे से 10 फीट पे ही, शायद वो मोमेंट पे जब मैंने देखा टाइगर, 10 फीट पे ही टाइगर रहेगा. मैंने ड्राइवर को इमिजिएटली स्टॉप करने बोला. ड्राइवर ने एब्रप्टली, ही कुड नॉट सी द टाइगर, उन्होंने एब्रप्टली ब्रेक लगाया और गाड़ी जैसे ही रुका, टाइगर वॉज लाइक 2 फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट में ड्राइवर है, ड्राइवर इज नॉट एबल टू सी द टाइगर बिकॉज आई एम सिटिंग इन बिटवीन हिम एंड टाइगर. सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि टाइगर कितना क्लोज है. आई हैड नो चांस टू मूव बिकॉज जब टाइगर इतना नज़दीक है, यू शुड नॉट डू एनी मूवमेंट. सो एवरीथिंग वॉज स्टैंड स्टिल फॉर अ मोमेंट. ड्राइवर इज नॉट अवेयर, और रादर ही इज अवेयर दैट टाइगर इज देयर, बट ही इज नॉट एबल टू सी टाइगर बिकॉज आई एम इन बिटवीन. लेफ्ट में 2 फीट पे टाइगर है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ. आई फाइनली पिक्ड अप माई 400 mm लेंस. इट्स अ ह्यूज लेंस. The moment tiger saw that I'm picking up something which is comparatively huge in nature, he roared. After experiencing tiger so many times, that roar was something which made my camera fall from my hands. From 2 feet away. Yeah. So, I mean, I was so scared for that moment. That roar was so thumping that I mean, everything is blank in front of you. So we waited, all of us. I mean, I gave Tiger for the time to sink in. Yeah, that was a moment where everyone froze. Yeah. The guide was not saying anything. The driver is not aware of the situation. The Tiger is there on the left-hand side. So it took 10-15 seconds for the Tiger and for us to sink into this moment. Yeah. It was a very sudden encounter. I did not wanted to leave that place without taking a photograph. I could not make any movements in the vehicle because the tiger was so close. I could hardly gather courage to have a look at the tiger once. See that magnetic animal from so close once again. And then I asked driver, slowly ek aur 5 feet aage le lo. By that time I asked the guide to hand over the 7200 lens, and I took one single image as a record. And when I see that image at 70 mm, tiger's face, I mean the whole face of the tiger is not fitting into that one single film. It was that close yeah. encounter. So what are the other animals ke, aur kaun se janwar aapne cover kiye? Matlab like you said you went to that elephant safari also. Yeah, so and you had also gone to Masai Mara, right? Yeah. So there you must have covered a lot of wildlife. African wildlife, yes. Okay. So Masai Mara is like a Tirtha Yatra for a wildlife photographer. हम लोग जब Masai Mara जाते हैं तो Masai Mara में most of the vehicles are wired with each other. Walkie talkie से सब vehicles connected है. And these are all planes. So Masai Maras are all planes. तो एक vehicle दूसरे vehicle को message दे देगा कि यहाँ पे ये specific animal है. So you have a choice to see the animal. कि आपको कौन सा animal फोटोग्राफ करना है. आपको अगर लेपर्ड करना है तो आप लेपर्ड का मैसेज लेके वहाँ चले जाओ. सो आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है. लाइटिंग सिचुएशन इन Masai Mara बहुत बेहतरीन है बिकॉज प्लेन्स है, तो आपको सनराइज और सनसेट के साथ गोल्डन आवर्स में बहुत अच्छे कंपोजिशंस मिलते हैं. आप हाँ लाइन किंग के जैसे रादर एक सिमिलर मोमेंट मुझे भी मिला है जिसमें सनसेट के वक्त सनसेट सनडाउनर सफारी में लायन और लायनेस का मीटिंग चल रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ अ सेटिंग सन. एंड यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी. आप सिल्वेट लो, आप ओवर एक्सपोज करो टू टेक यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट्स.
दैट इज समथिंग विच वी लैक इन इंडिया. इंडिया में अपॉर्चुनिटी फोटोग्राफी का कंपैरेटिवली कम है. फोटोग्राफिक मोमेंट बहुत कम मिलता है एंड यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दोज मोमेंट्स. अपने मसाई मारा या तंजानिया हम लोग देखे तो वहाँ पे एट ईज आपको वो मोमेंट्स मिलते हैं, आपको वो फ्रेम्स मिलते हैं जो आपको चाहिए. और वहाँ आपको चीता देखने मिलता है, वहाँ पे आपको माइग्रेशन देखने मिलता है. इधर तंजानिया में रिवर्स माइग्रेशन मिलेगा आपको, मसाई मारा में रेगुलर माइग्रेशन मिलेगा जहाँ पे ह्यूज गैदरिंग्स ऑफ विल्डर बीस्ट दे क्रॉस दी रिवर ताले क्रॉस करते हैं, जिसमें दे नो क्रोकोडाइल्स आर वेटिंग फॉर देम बट देन दे हैव टू क्रॉस. सो ये क्रॉस करते हैं एंड देन दैट टाइम यू एनकाउंटर लॉट ऑफ ब्लडी अफेयर्स जहाँ पे आप इट इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड ऑनेस्टली. लॉट ऑफ टाइम्स इट टेक्स टाइम टू सिंक इन दैट कोई एनिमल आपके सामने लाइव एनकाउंटर हो रहा है, मर रहा है और वो टाइम पे आप फोटोग्राफ खींच रहे हैं. आई मीन इट्स क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टिंग, मतलब वो चीज सिंक इन करना बहुत डिफिकल्ट है. बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज पता चल जाता है कि इट इज ऑल नेचुरल. आई मीन समबडीज सर्वाइवल इज आउट ऑफ दैट, सो इट्स अ लाइफ साइकिल व्हिच द नेचर फॉलोज एंड दैट इज हाउ इंटरफेयर. एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था जहाँ पे लिटरली मेरे ऊपर शायद पुलिस केस हो जाता था. अच्छा. हाँ, रणथंबोर में जोन 8 करके एक जगह है जहाँ पे बहुत कम टाइगर मूवमेंट है. इस एरिया को बलास बोलते हैं. तो दिस इज अ वेरी रॉकी टेरियन, बहुत सारे पहाड़ है और जहाँ पे गाड़ी के लिए रास्ता बहुत छोटा और कम है और आप ऑफ रूट जा नहीं सकते हैं फॉरेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से. हाँ, तो एक बार हम लोग एक ऐसे जगह पे खड़े थे जहाँ से एक केव वाला एरिया दूर हमें दिखाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए हम लोग पेड़ के नीचे रुके. रुकने के बाद में कोई साइटिंग था नहीं तो बायनाकुलर्स हाथ में लेके हम लोग देख रहे थे कहीं मूवमेंट है क्या. तो मुझे एक्साइटमेंट हुआ कि सामने केव दिख रहा है बहुत दूर, कि ये केव में क्या हो सकता है. तो मैंने गाइड से बायनाकुलर्स लेके देखा तो उसमें दो टाइगर कप्स थे. आई कुड नॉट बिलीव माई आईज के इस तरीके से टाइगर डेन में टाइगर कब्स दिखेंगे. अभी कैमरे का रेगुलर प्रोफेशनल कैमरे का रीच नहीं था वहाँ तक. सो हमने एक डिजिटल जूम वाला कैनन का कैमरा था, 65x जूम था. तो उस कैमरे से वी ट्राइड रीचिंग वेरी क्लोज टू द केव और केव के अंदर हमने देखा दो बच्चे हैं जो बहुत वीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, मैलरिस्ट है. ये समझ में आ रहा था कि इन्होंने शायद 8-10 दिन से कुछ खाया भी नहीं होगा. एब्सोल्युटली कोई एनर्जी नहीं था कब्ज में. नॉर्मली टाइगर का एनर्जी उसके मूवमेंट से पता चल जाता है अपने को. तो वी वे देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, बहुत टाइम हमने दोनों कब्ज को देखा. देखने के बाद में हम लोग रिटर्न आ गए. सेम डे मैं रणथंबोर से बॉम्बे रिटर्न आ गया. सेम नाइट निकल के अगले दिन आया. अगले दिन शाम में मैं जो रिसोर्ट पे रुका था उनका मुझे फ़ोन आया कि मैंने रिसोर्ट को भी टैग किया हुआ था मेरे पोस्ट में. अगले दिन जब मैंने पोस्ट डाला मुझे पता ही नहीं था वो पोस्ट वायरल हो गया है, शायद लाखों लोगों ने वो पोस्ट देख भी लिया है. और उसमें काफ़ी सारे लोग थे जिनका ये कमेंट था कि ये ऑफ रोड जाके किसी ने शूट किया है और ये टाइगर्स के लिए बहुत रिस्की है, जहाँ पोचर्स पहुँच के टाइगर पोच कर सकता है, सो मेरे ऊपर केस किया जाए. और उन्होंने ये कमेंट्स और वीडियो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टैग करके रिपोस्ट कर दिया था. आई मीन फॉर अ मोमेंट आई वॉज कंसर्न कि हम लोग ऑफ रोड तो नहीं थे, हम लोग रोड पे ही कहीं पे ऐसे जगह पे रुके थे. फिर मैंने हमारे जो गाइड थे, शाकिर अली गाइड थे, बहुत नोन गाइड है रणथंबोर के, उनको मैंने कॉल किया तो वो हंसने लगे. उन्होंने बोला ये कॉल मुझे भी आया क्योंकि मैंने उनको भी टैग किया हुआ था. तो उन्होंने बोला मुझे कल फॉरेस्ट वालों ने बुलाया है जिनको वो लोकेशन देखना है जहाँ से हमने ये वीडियो लिया है. अगले दिन शाकिर अली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वो स्पेसिफिक लोकेशन पे गए. जाने के बाद उन्होंने
वहां से कैसे हमने वो टाइगर कब्स देखे वो दिखाया, और जेन्युइनली जब फॉरेस्ट को पता चला कि ये कब्स माल नरिश्ड है, ये 8 दिन से ये बच्चे भूखे थे, इसलिए शायद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनका टेक केयर कर लिया. एंड वन ऑफ दोज टाइगर्स मैंने 6 साल के बाद में Zone 3 में देखा, एंड आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव के यही वो टाइगर है जो मैंने 6 साल पहले Zone 8 में बलास में फोटोग्राफ किया था. एंड या अल्टीमेटली आई मीन आउटकम अच्छा आउटकम वॉज गुड. आई मीन वी कुड सेव दोज कप्स. सेकेंडली हम लोग ऑफ रूट नहीं थे तो कोई केस बन ही नहीं रहा था. जस्ट दैट Zone 8 बहुत कम ट्रेवल जोन में से है रणथंभौर में. सो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि ट्रैक से ये केव दिखता है. आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जाके आई ट्राई माय लक बट आई हैव नेवर बीन लकी आफ्टर दैट डे टिल नाउ, बट द आउटकम वाज गुड. यस, जैसे हम लोग कुछ इवेंट हुआ तो सेल्फी पहले निकालते या कोई यू नो, तो आपके इसमें ऐसे भी कि अभी कैमरा में नीचे रख लूं और बस आंखों से देख लूं, काफी बार होता है. सेम राजबाग जाने के लिए टाइगर हैज टू क्रॉस द आइलैंड. सो जो आइलैंड क्रॉस करता है टाइगर तो लिटरली ऑलमोस्ट पानी में डिसअपियर हो जाता है और फिर वापस बाहर निकल के लैंड के ऊपर आ जाता है. एंड दिस इज लाइक 3 मिनट्स वॉक. 3 मिनट का वॉक है कि लैंड से स्टार्ट किया, लेक के अंदर गया और लेक के अंदर से पैलेस के पास में टाइगर पानी से बाहर निकल जाता है. तो मैं लोग मतलब जैसे मेरे लिए अम्ब्रेला शॉट इज अ ड्रीम शॉट, लोगों के लिए आइलैंड क्रॉसिंग इज ऑल्सो अ ड्रीम शॉट. आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू सी आइलैंड क्रॉसिंग 5-7 टाइम्स मेबी. सो मैंने पहले 2-3 बार कैमरे से शूट किया, फिर वीडियोज लिए, फिर अलग अलग फोकल लेंथ पे शूट किया. एंड नाउ इफ आई गेट अ चांस टू सी आइलैंड क्रॉसिंग आई कीप एवरीथिंग असाइड एंड आई जस्ट एंजॉय दैट ब्लिसफुल मोमेंट. मैं नई फोटोग्राफ लेता हूँ अभी उसका. तो अमित जी, अपना जो चैनल है आर्ट रोड्स, ये यूट्यूब चैनल हमने इसलिए चालू किया है क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस भी हो यंगस्टर्स को जो अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स परस्यू करना चाहते हैं. तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में आप क्या कहोगे, वेदर उसको कैसे परस्यू करे, मतलब धीरे धीरे करे या फुल फ्लेज्ड जंप ले ले. ओके, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स मैं ये किट ले लेता हूँ, मैं लेंस ले लेता हूँ इसमें थोड़ी जल्दी में होते हैं, तो उसका पहले अभ्यास कैसे करें या फिर उसको प्रोफेशन बोल के कैसे उसका रूट है आगे. सो आई थिंक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इंडिया में काफी ग्लैमरस नजरिए से देखा जाता है. मतलब जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उनका एक आइडेंटिटी अलग से देखा जाता है, जिसकी वजह से काफी यंगस्टर्स फैसिनेटेड है कि उनको वाइल्ड लाइफ एज अ फुल फ्लेज्ड करियर लेना है. मुझे भी काफ़ी बार मैसेजेस आते हैं कि सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फुल फ्लेज्ड करना है तो व्हाट इज़ द वे, बिजनेस एवेन्यूज क्या है, इसमें अर्निंग्स क्या हो सकते हैं. करंट जो इंडिया का सिचुएशन है या हमारे जो फॉरेस्ट में जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इवॉल्व हो रहा है, मैं कोई भी रोजी पिक्चर नहीं बताना चाहूँगा. हमें ऑडियंस को सच बताना है जो भी. करेक्ट. सो ये कितना भी फैसिनेटिंग लगे, the possibility of making a professional career out of it, इसके chances comparatively बहुत कम है. It's a very niche segment. और ये बहुत ज़्यादा government के policies के ऊपर dependent है और unpredictable animal movement के ऊपर dependent है. इसमें आज अगर हम लोग देखें जो भी successful wildlife photographer है, ये बहुत गिने चुने photographers ऐसे हैं. I'll say not more than 10 or 15 of them in the whole of India. जो इसको बहुत बड़ा बना पाए और प्रोफेशनली उनके अच्छे करियर क्विट करके उसको बड़ा बना पाए. रादर आई नो हंड्रेड्स ऑफ देम जिनको इसमें आना था, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर इनका आईटी इंडस्ट्री से या कोई और इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से क्विट करके फोटो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आए एंड देन दे स्विच्ड बैक टू देयर ओन प्रोफेशन अगेन. सो अगर द कॉल ऑफ द वाइल्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि नहीं, जैसे माधवन 3 इडियट्स में बोलता है पापा घर छोटा होगा गाड़ी छोटी होगी, अगर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो आई थिंक दे शुड टेक इट ऑन अ पायलट बेसिस. इनिशियली 1 साल
रेगुलर सफारी से ट्राई करें, खुद का नीश ढूंढे कि कौन सी फील्ड ऐसी है जो अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, जो हम लोग इंडियन फॉरेस्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाइल वर्किंग दे कैन मे बी कंडक्ट अ पायलट प्रोजेक्ट जहाँ पे ये 2 या 3 बार उस प्रोडक्ट को सेल करने का कोशिश करें। व्हेन आई से प्रोडक्ट, दिस कैन बी सफारी टूर पैकेजेस, दिस कैन बी कस्टमाइज्ड सफारीज, दिस कैन बी सेटिंग अप अ पोर्टल वेयर यू आर सेलिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स टू अ लॉट ऑफ चैनल्स जैसे नेशनल जियोग्राफिक है, बट जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इसमें ये बहुत कम है। देर आर सो मेनी पीपल जो इमेजेस रॉयल्टी फ्री देने को तैयार है इस इंडस्ट्री में, कि इसका जो कमर्शियल वैल्यू है वो अभी तक एक्सप्लॉइट हो नहीं पाया है। और आज के घड़ी में अगर फुल टाइम करियर बनाना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, आई थिंक पहले 2 साल ट्रायल बेसिस पे रेगुलर स्ट्रीम ऑफ करियर में काम करके अगर कोई नीश मिलता है तो ही इट मेक सेंस टू गेट इन टू इट। अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एज अ फुल टाइम करियर बिफोर हैंड। आप एक बार एज अ हॉबी इसको परस्यू करिए, एज अ हॉबी आप आपका रेगुलर जो भी एजुकेशन है, रेगुलर जो भी आपका प्रोफेशन है वो परस्यू करते वक्त एज अ हॉबी परस्यू कीजिए। और अगर उसमें आपको वो पोटेंशियल लगता है कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके, देन यू शुड डू इट ऑन अ पायलट बेसिस, एंड बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ दैट पायलट प्रोजेक्ट देन यू कैन गो अहेड एंड मे बी टेक इट अप फॉर अ प्रोफेशनल कॉज। बट अभी भी आई थिंक आर इंडस्ट्री इज नॉट प्रिपेयर टू ऑफर दिस एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट इज स्टिल अ हॉबी हॉबी और यू कैन से पार्टली प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनली ये परस्यू कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव मेड देयर फॉर्च्यून विद समथिंग एल्स अर्लियर एंड नाउ दे आर परस्यूइंग वाइल्ड लाइफ एज अ करियर। सो इसमें हार्ड वर्क भी उतना ही है, इट इज नॉट अ प्रिटी पिंक पिक्चर। एब्सोल्युटली नॉट, या सो हार्ड वर्क की बात करें तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, किसी को स्नो लेपर्ड फोटोग्राफी कराना है, यू आर टेकिंग द क्लाइंट्स इन द ट्रेचरस कंडीशंस जहाँ पे आपको पता है नियर बाय हॉस्पिटल्स नहीं है, आपको पता है सिचुएशंस आर नॉट वेरी कंड्यूसिव, आपको गेस्ट्स को वॉक कराना है 7-7 किलोमीटर, आपको उनका मेडिकल कंडीशन टोटली पता नहीं है, और ऐसे ट्रेचरस सिचुएशन में आपको एनिमल्स फोटोग्राफ कराने हैं, सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपको -20 डिग्रीज -25 डिग्रीज में मॉर्निंग में 5:30 बजे निकल जाना है सनराइज़ के पहले। अगर रेगुलर सफारी भी बोले हम लोग, अगर यू टॉक ऑफ प्लेसेस लाइक बांधवगढ़ है, रणथंबोर है, ताड़ोबा है, कबिनी है, स्कॉचिंग समर्स में ताड़ोबा में टेम्परेचर 48-49 डिग्री होता है, जहाँ पे व्हीकल के ऊपर रूफ नहीं है, आप स्कॉचिंग सन में आप बाहर जा रहे हैं और गेस्ट को फोटोग्राफी करा रहे हो, देयर कैन बी मेडिकल इमरजेंसीज, देयर कैन बी सिचुएशंस जहाँ पे आपके गेस्ट कंफर्टेबल नहीं है और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए। काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स या टूर गाइड्स ऐसे हैं जो, हाँ, यूके से क्लाइंट आ रहा है जिन्होंने अपने फोर फादर से जो इंडिया होके गए हैं, इन्होंने कहानियाँ सुनी हुई है टाइगर की, एक्सट्रीम फैसिनेशन है कि मरने के पहले एक बार टाइगर देखना है, वो उनका लाइफ का आधा अर्निंग उनका सेविंग्स दाव पे लगा के आने वाले हैं, और वो जो 7 दिन यहाँ पे है वहाँ पे टाइगर दिखेगा ही, इसका प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में नहीं है, जबकि वो आपको पे करके आप उनको लेके जा रहे हैं। मीटिंग दोज एक्सपेक्टेशन, मीटिंग दोज डिसअपॉइंटमेंट्स, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज प्रोफेशन का आउटकम आपके हाथ में नहीं है, नेचर के हाथ में है। सो बहुत बार बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, दैट इज़ वन रीज़न आपको बहुत कम सक्सेसफुल लोग इसमें दिखेंगे, जो शायद खुद को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 ईयर्स में एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है, हु कुड नॉट इवन मेक बोथ हैंड्स मीट ड्यूरिंग स्पेसिफिक मंथ्स व्हेन दे वर इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। इफ यू आर एबल टू फेस दैट हार्डशिप, अगर आपको वो हार्डशिप देखना है या आप रेडी है उस हार्डशिप के लिए, जबकि उसका आउटकम फिर भी आपको पता नहीं है, आई थिंक दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू शुड गेट इनटू इट। Very valuable suggestion. Yeah. I mean, एकदम clear picture. हाँ. आज के घड़ी में काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको फोटो से फैसिनेशन है, जिनको वाइल्ड लाइफ से फैसिनेशन है,
नथिंग रॉन्ग इन इट, बट उनको फॉरेस्ट में जाने के पहले 12 लाख रुपए का लेंस लेना है, विच डजंट मेक अ सेंस. यू बाय दैट टाइम आपको पता भी नहीं है कि आपका लाइकिंग किस तरफ है फोटोग्राफी में. आपको टाइट शूट करना है, आपको वाइड एंगल शूट करना है, आप कौन से फॉरेस्ट में जा रहे हैं ये आपको पता नहीं है, पर उसके पहले आपको गियर पूरा चाहिए. आई थिंक ये हमारे जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था. न्यूअर जनरेशन वॉन्ट्स टू गेट इन टू द फॉरेस्ट विथ ऑल द इक्विपमेंट, विच आई फील इज नॉट राइट. यू शुड स्टार्ट विथ बेसिक किट लेंस. विथ बेसिक किट लेंस अंडरस्टैंड कि आपका लाइकिंग किस तरफ जा रहा है, और फिर उसके बाद इफ द फैमिली अलाउज, इफ योर फाइनेंशियल्स अलाउ, देन आई थिंक देयर इज नो, देन यू कैन पुट दैट काइंड ऑफ अ मनी. बिकॉज आज के घड़ी में भी इंडियंस के लिए शायद टूटे सिटीज में 25 लाख में घर आ जाता है, यहाँ पे आपको बेसिक गियर लेने में आपका 25 लाख रुपए निकल जाता है. तो पहले सफारी करे, अपने सेंसेस डेवलप करे, अपनी लाइकिंग्स डेवलप करे कि क्या आप ये फील्ड में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं. डू यू वॉन्ट अ लाइफ जिसमें आप रोज 5:30 बजे उठ के आप पार्क में जाने के लिए तैयार हो. और दीज आर हार्श कंडीशंस इनसाइड द पार्क. ऐसा नहीं है कि कंडीशंस आर प्लेजेंट. आपको समझ में शायद फॉरेस्ट में आप जहाँ रुके हुए वहाँ एयर कंडीशन नहीं चल रहा है. यू हैव सिचुएशंस लाइक दिस. बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जहाँ पे आपको रहने के लिए ढंग के कॉटेजेस भी नहीं थे एक टाइम पे, एंड द टाइगर्स आर मूविंग अराउंड यू. आई मीन, डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ सिचुएशन लाइक दिस? इट गिव्स एन एड्रेनल, देर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट. वो फील अलग है, बट यू नीड टू काउंटर वेट द अदर साइड ऑफ इट एज वेल. व्हेन देर इज अ फैमिली हु इज डिपेंड ऑन यू, आप फैमिली को छोड़ के 20 दिन रह सकते हैं. क्वाइट पॉसिबल अ लॉट ऑफ बैचलर्स आर डूइंग इट, क्योंकि बैचलर्स के लिए बहुत आसान है निकल जाना. बट आफ्टर मैरिज आपके बच्चे हैं, आप उनको छोड़ के 20 दिन 22 दिन फील्ड पे निकाल सकते हैं क्या? ये भी ऐसी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है आने के पहले. सो आई सजेस्ट एक बार पहले 1-2 साल तक आप फील्ड पे जाओ ऑन एंड ऑफ, नॉट एज अ करियर. ट्राई एंड सी इफ यू आर डेवलपिंग योर लाइकिंग टूवर्ड्स दैट. अगर आप जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, देन टेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन अ पायलट बेसिस. वो 1-2 साल करो, आप में वो कमर्शियल्स आप जो सोच के चल रहे हैं कि इसमें से आपका आउटकम क्या रहना है, वेदर दैट नीच हैज दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, वो एक बार चेक कर लीजिए एंड देन ओनली जंप इनटू इट फुल फ्लेज्ड. अमित जी थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया फोटोग्राफी के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में. एक एक किस्म का अवेयरनेस भी आपने शेयर किया. हमारे ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. माय प्लेजर. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. जो भी लोग आर्ट फील्ड में अपना करियर करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है नई नई फील्ड के बारे में जानकारी लेने का. आई थिंक यू गाइज कैन कीप फॉलोइंग द चैनल. यस, थैंक यू अमित जी फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच, वी हैड अ ग्रेट टाइम. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी ये डेफिनेटली एंजॉय करेंगी. आपके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.